तीतुस, तीतुस को लिखा गया पौलुस का पत्र। तीतुस अध्याय एक। परमेश्वर के सेवक और यीशु मसीह के प्रेरित पौलुस की तरफ से मुझे इसलिए भेजा गया ताकि मैं परमेश्वर के चुने हुए लोगों को विश्वास और सच्चाई की समझ तक पहुंचा सकूं, जिससे वे एक सही जीवन जी सकें, उस सदा के जीवन की उस आशा में जिसका वायदा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकते, दुनिया के आरंभ से पहले किया है। परमेश्वर और मुक्तिदाता के आदेश के अनुसार जिस सुसमाचार को ऐलान करने का काम मुझे दिया गया, उसे एक सही समय पर इतिहास में दिया गया। तीतुस को, जो एक विश्वास की सहभागिता में मेरा सच्चा बेटा है, परमेश्वर पिता और हमारे मुक्तिदाता मसीह यीशु से कृपा और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैं इसलिए तुम्हें क्रेते में छोड़ाया था कि तुम बाकी बातों को सुधारो और मेरी आज्ञा के मुताबिक हर शहर में अगुओं को ठहराओ। अगुओं को बिना किसी आरोप का और एक पत्नी का पति और संयमी होना चाहिए। इनके बच्चों को मुक्ति का अनुभव भी होना चाहिए। किसी भी रखवाले को परमेश्वर का भंडारी होने की वजह से निर्दोष होना चाहिए। जिद्दी, गुस्सैल, शराबी, झगड़ालू, पैसों का लोभी नहीं होना चाहिए और आवभगत करने वाला, भलाई और अच्छाई का चाहने वाला, सही सोच वाला, खरा, पवित्र और संयमी भी। उसे विश्वसनीय वचन को थामे रहना चाहिए जैसा उसे सिखाया गया है, ताकि सही सिद्धांत की मदद से वह लोगों को सिखा सके और वचन के विरोध में बहस करने वालों को यकीन दिला सके। बहुत से अनियंत्रित लोग बहस करने वाले और धोखा देने वाले हैं, खासकर खतना वाले लोगों में से। इनके मुंह बंद किए जाने चाहिए। ये लोग अपने फायदे के लिए वह सब सिखाते हैं जो सिखाना नहीं चाहिए और पूरे के पूरे खानदान बर्बाद कर डालते हैं। उन्हीं में से उनके एक भविष्यवक्ता ने कहा, क्रेती लोग हमेशा से झूठे, दुष्ट पशु, आलसी और पेटू होते हैं। ये बात सच है, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से डांटो ताकि वे अपने विश्वास में मजबूत रहें। यहूदी कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर ध्यान न दें जो सच्चाई से भटक चुके हैं। जो लोग शुद्ध हैं उनके लिए सब कुछ शुद्ध है, लेकिन जो अशुद्ध और अविश्वासी हैं उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। उनकी बुद्धि और विवेक दोनों ही अशुद्ध हैं। वे तो मुंह से परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, लेकिन उनके कामों को देखकर ऐसा नहीं लगता है। वे घिनौने, आज्ञा न मानने वाले और अच्छे कामों के लायक ही नहीं हैं। तीतुस अध्याय दो। परंतु जो बातें सही शिक्षा के अनुसार हैं, तुम उन्हीं को कहा करो। बुजुर्ग लोगों को गंभीर, आदरणीय, संयमी, विश्वास, प्रेम और धीरज में मजबूत होना चाहिए। उसी तरह बुजुर्ग महिलाएं भी व्यवहार में आदरणीय, बदनामी न करने वाली, शराब से परे रहने वाली और अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वे जवान महिलाओं को सिखाएं कि वे पतियों और बच्चों से प्रेम करने वाली हों, संयमी, पवित्र, घर की देखभाल करने वाली, भली और पति की आज्ञा मानने वाली बने, ताकि प्रभु के संदेश की बदनामी न हो। इसी तरह से जवान लोगों को संयमी बनने को कहो। हर दायरे में दूसरों के लिए अच्छे नमूना बनो। शिक्षा में ईमानदारी, गंभीरता, पवित्रता, सही बोलचाल, जिसे कोई खराब न कह सके, ताकि तुम्हारे विरोधी शर्मिंदा हों और तुम्हारे खिलाफ कहने के लिए उनके पास कुछ भी न हो। नौकरों को आदेश दो कि वे अपने अपने मालिक की माने और उन्हें हर बात में पूरी तरह खुश रखें और पलटकर जवाब न दें। चोरी न करें, लेकिन विश्वसनीय हों, ताकि हमारे परमेश्वर और मुक्तिदाता की शिक्षा की सुंदरता बढ़े। क्योंकि परमेश्वरीय कृपा, जिसके कारण मुक्ति है, सभी लोगों के लिए प्रकट हुई है और हमें सिखाती है कि हम दुष्टता और दुनिया की अभिलाषाओं को छोड़कर गंभीरता, खराई और परमेश्वरीय स्वभाव के साथ वर्तमान युग में जिएं और बड़ी आशा अर्थात परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु के महिमामय दूसरे आगमन का इंतजार करते रहें, जिन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमें हर तरह की दुष्टता से छुड़ाएं और पवित्र करके अपने लिए खास लोगों को तैयार करें जो अच्छे काम करने में सरगर्म हों।
इन बातों को सिखाया करो, हिम्मत बढ़ाओ और अधिकार के साथ डांटो, तुम्हें कोई तुच्छ न समझने पाए। तीतुस अध्याय 3। जो लोग शासन करते हैं या अधिकारी हैं, उनके प्रति आज्ञाकारी होने और अच्छे काम करने को तैयार रहने के लिए लोगों से कहो, किसी की बुराई न करें, झगड़ालू न हो, लेकिन कोमल स्वभाव रखें और दूसरों के साथ नम्रता से पेश आएं, क्योंकि पुराने जीवन में हम भी बेवकूफ, आज्ञा न मानने वाले, धोखे में, तमाम अभिलाषाओं में और सुख विलास की चाह रखते हुए कड़वाहट, ईर्ष्या और नफरत की जिंदगी जीते थे। लेकिन जब हमारे परमेश्वर और मुक्तिदाता की दया और मोहब्बत लोगों के लिए प्रकट हुई, तो उन्होंने हमें मुक्ति दी, जो हमारे धर्म कर्म से नहीं, लेकिन उन्हीं की कृपा द्वारा नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नए बनाने से थी, जिसे उन्होंने बहुतायत से हमारे मुक्तिदाता यीशु द्वारा हम पर उंडेली, इसलिए कि उनकी कृपा से धर्मी ठहराए जाने से हम अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तुम ये बातें लगातार ऐलान करो, ताकि जिन लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा कर लिया है वे भले कामों में लगे रहें। ये बातें अच्छी हैं और लोगों के लिए फायदेमंद हैं। लेकिन बेवकूफी के विवाद, वंशावलियों और व्यवस्था के मतभेद वाले विषयों और झगड़ों से दूर रहें, जो बिना लाभ के और बेकार हैं। ऐसे इंसान से दूर रहो जो एक दो बार मना किए जाने के बावजूद सच्चाई के साथ झूठ की मिलावट में बना रहता है। ये जान लो कि ऐसा व्यक्ति टेढ़ा है, गुनाह में है और खुद ही दोषी ठहर चुका है। जब मैं अर्तिमास या तुखिकुस को तुम्हारे पास भेजूं, निकापुलिस में मुझसे भेंट करने की हर कोशिश करना, क्योंकि मैंने सर्दियों में वहां रहने का इरादा किया है। जन्नेस वकील और अपुल्लोस को उनकी यात्रा पर जल्दी भेजना, ताकि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। हमारे लोगों को भी सीखना चाहिए कि भले कामों में लगे रहें, जरूरतों को पूरा करने के लिए सही कामों में लगे रहना सीखें, ताकि उनका जीवन निकम्मा ना हो। मेरे साथियों का तुम्हें आशीर्वाद, और जो हमसे प्रेम करते हैं उन्हें आशीर्वाद। ऐसा ही हो।